नमस्कार साथियों, आज मैं फिर सीमा गुप्ता आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ। और वह सूचना है विकास का राव मनमोहन प्रतिरूप। प्रायः यह चर्चा होता है कि विकास का राव मनमोहन प्रतिरूप क्या है, तो आपको बताना है कि विकास का राव मनमोहन प्रतिरूप और कुछ नहीं है बल्कि 90 के दशक में जो आर्थिक सुधार भारत सरकार द्वारा जो किया गया उसी को हम सभी राव मनमोहन प्रतिरूप कहते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री हमारे नरसिम्हा राव जी थे और उनके आर्थिक सलाहकार डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस वजह से इन लोगों के नाम के कारण राव मनमोहन प्रतिरूप के रूप में भी यह जाना जाता है। आपको अवगत होंगे कि 1990 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही चरमरी स्थिति में पहुंची थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं थी कि अपने आयात का वह चुकता कर सके। इसी प्रकार अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। इन सभी परिप्रेक्ष्यों को देखते हुए राव और मनमोहन जी द्वारा भारत की विदेश नीति में व्यापक बदलाव किया गया। भारत की आर्थिक विदेश नीति में व्यापक बदलाव किया गया। भारत के बैंकिंग संरचना में व्यापक बदलाव किया गया। भारत के कृषि अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया। भारत की जो कल्याणकारी नीतियाँ थी उसमें व्यापक बदलाव किया गया। भारत द्वारा जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध अन्य देशों से अपनाया जा रहा था उसमें व्यापक बदलाव किया गया। इसी दौरान भारत सरकार द्वारा पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाया गया। इसी समय यूरोपीय यूनियन के साथ एक अलग नीति अपनाया गया। इन सभी कारणों से इसको विकास का राव मनमोहन प्रतिरूप कहा जाता है। तो आप जानें कि किस प्रकार भारत की विदेश नीति में व्यापक सुधार के परिप्रेक्ष्य में हम एक नई विकास को प्राप्त किए। इसी संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।